फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, लेके आ गया हूँ एक और नई चॉकलेट मैं अपने वीडियो में, जिसका नाम है लॉटे का कैरामेल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं ये कैरामेल की टॉफ़ी के शेप में ये चॉकलेट है। तो फ्रेंड्स, खाने में कैसा है कैसा नहीं तो देखने खोलने के बाद ही पता चलेगा। 23 ग्राम की चॉकलेट पड़ी है, ये भी हमको सिर्फ मात्र 5 रुपये की चॉकलेट पड़ी है। इससे पहले मैंने नेस्ले की लॉटे की ये कॉफ़ी बाइट चॉकलेट मैंने आपको दिखाया था। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा ना देर करते हुए फटाफट से इसको भी करते हैं अनबॉक्स। तो फ्रेंड्स, ये रही लॉटे की कैरामेल। तो फ्रेंड्स, इसमें मिल्क जैसा नाम लिखा हुआ है, तो ये मिल्क से बनी हुई चॉकलेट है। खाने में कैसी है और टेस्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स, इसका टेस्ट वगैरह कैसा है तो ये तो खाने में ही, खोलने के बाद ही पता चलेगा। समझ रहे हो? मात्र 5 रुपये की चॉकलेट है। देखिए, 23 ग्राम इसमें लिखा हुआ है, ये मत कहिए कि जो है मैंने बताया नहीं। तो फ्रेंड्स, अब इसको खोलने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रही चॉकलेट और इसको मैं खोलने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रही लॉटे की कैरामेल। तो फ्रेंड्स, ये खाने में कैसी है अब इसको भी टेस्ट करके ही पता चलेगा ये खाने में कैसी है। तो फ्रेंड्स, बच्चे लोग ये टॉफ़ी बहुत खाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको खोलते हैं। देखिए, ये बढ़िया इसको सिल्वर उसमें पैक किया है, कितने वीआईपी तरीके से जो है कि जो है इससे और क्या ही सोच सकते हैं फ्रेंड्स। और हमें कितनी मिली है 5 रुपये में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फ्रेंड्स, हमें एक टॉफ़ी एक्स्ट्रा मिली है, बल्कि वैसे टॉफ़ी लेंगे तो आपको जो है कम ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, किसके किसके मन में लड्डू फूटा, 1 रुपये में 2 लड्डू। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल। तो फ्रेंड्स, अब इसको मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, टेस्ट करके बताता हूँ ये खाने में कैसी है। तो फ्रेंड्स, ये रही टॉफ़ी लॉटे की कैरामेल और इसको मैं खा के बताता हूँ ये खाने में कैसी है। ये तो फ्रेंड्स एकदम हमको गांव की याद आ गई, जैसे गांव में टॉफ़ी नहीं मिलती थी फ्रेंड्स, वाली लेबिन चूस टाइप। तो फ्रेंड बिल्कुल वैसे वो चिसेन की दुकानियाँ वाला, हाँ, 1 रुपये की 24 मिलती थी। नहीं, लेबिन चूस्ट को नहीं, बात नहीं कर रहा हूँ, आती थी ये भी आती थी, खुल आती थी। और दुकान जाओ तो टॉफ़ी की ऐसी महक आती रहती थी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसे ही टॉफ़ी लग रही है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। 90 की किड्स इसको बहुत अच्छे से को रिलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद, वंदे मातरम।